Good morning everyone. In this video we are going to study about NCERT class 4th EVS chapter 2nd year to year. So let's start. Wow, what a funny picture. यहाँ देखिए, यहाँ कुछ animals की picture बनी है but ये funny लग रहे हैं, अलग अजीब से लग रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको ये बताना है कि इसमें जो एयर लगे हुए हैं वो इनके हैं या नहीं, नहीं ना? तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किसके एयर किस पर लगे हैं. जैसे एलिफेंट पे माउस के एयर लगे हुए हैं, तो हमको ये बताना है कि रैबिट, माउस, बफेलो, जिराफ और डियर एंड डॉग, इन सब पे किसके एयर लगे हुए हैं. एलिफेंट पे माउस का, रैबिट पे जिराफ का, माउस पे डॉगी का, जिराफ पे एलिफेंट का, डॉग पे रैबिट का, बफेलो पे डियर का और डियर पे बफेलो का. नेक्स्ट है, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर. अमंग द एनिमल्स गिवन बिलो, विच वन हैव ईयर्स दैट यू कैन सी, इन विच एनिमल कैन यू नॉट सी द ईयर्स, राइट इन द टेबल बिलो. तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि कौन से एनिमल्स हैं ऐसे जिनके कान हम देख सकते हैं और ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनके कान हम नहीं देख सकते. जैसे डियर है, डियर के कान हम देख सकते हैं. तो यहाँ पे ये दो टेबल्स बनाई हुई हैं, एनिमल हुज ईयर्स वी कैन सी. यहाँ पे इस टेबल पे हमें उनके नाम लिखने हैं जिनके कान हम देख सकते हैं, और सेकंड टेबल है एनिमल्स हुज ईयर्स कैन वी नॉट सी, जिनके कान हम नहीं देख सकते. ठीक है, तो जैसे डियर होगा, टाइगर हो गया, पिग हो गया, बफेलो हो गई, जिराफ हो गया, एलिफेंट हो गया और कैट हो गई, तो इनके हम क्या है, कान देख सकते हैं, इनके जो ईयर है हम वो देख सकते हैं. और किनके हम नहीं देख सकते, फ्रॉग हो गया, स्पैरो हो गई, डक हो गई, फिश हो गई, आंट हो गई, स्नैक हो गई, क्रॉ हो गई और लिज़र्ड, इनके कान हम नहीं देख सकते. तो आप अब ये बताइए कि क्या जिन पर हमको कान नहीं दिखाई देते, क्या उनके कान नहीं होते? तो उनके कान होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, टाइनी से होल्स होते हैं, जो वो इसलिए नहीं दिखाई देते बिकॉज वो पंख से ढके होते हैं. जैसे फ्रॉग है, तो फ्रॉग के पास पंख तो नहीं है, लेकिन उसका कान हम नहीं देख सकते, उसके एयर हम नहीं देख सकते बिकॉज उसके कान बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होल होते हैं, इस वजह से वो हमको नहीं दिखाई देते. नेक्स्ट पिक्चर में देखो, लेट अस ऑब्जर्व दिस पिक्चर. हमें इस पिक्चर को ऑब्जर्व करना है. यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं और कुछ बर्ड्स हैं, उनकी पिक्चर दी गई है. कैन यू सी देयर ईयर्स, क्या हम इनके ईयर्स देख सकते हैं? नो, बट दे ऑल हैव ईयर्स, नहीं देख सकते बट सबके पास ईयर्स हैं, इन सभी के कान होते हैं, इवन दो वी कैन नॉट सी दैम, लेकिन हम इन्हें देख नहीं सकते. तो आपको बताना है इनके नेम, कौन कौन से बर्ड्स हैं ये. पैरट हो गए, स्पैरो, हैन, डक, क्रॉ एंड फ्रॉग, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स विच हैव ईयर्स दैट वी कैन नॉट सी, राइट देयर नेम. अब आपको ऐसे कुछ एनिमल्स के नाम बताने हैं जिनके ईयर्स हम नहीं देख सकते, जैसे कि लिजार्ड हो गई, बीटल्स हो गई, तो हम इनके ईयर नहीं देख सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड एंड राइट एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक फैन. किस एनिमल्स के जो ईयर है, जो कान है, वो फैन की तरह होते हैं, एलिफेंट के, है ना. एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक लीफ, किस एनिमल के जो लीफ जो ईयर हैं वो लीफ की तरह, जो पत्ती है पत्ती की तरह दिखाई देते हैं, डियर के. एन एनिमल विद ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड, कौन सा एनिमल है जिसके जो ईयर होते हैं बिल्कुल टॉप पे होते हैं, उसके सर के टॉप पे होते हैं उसके ईयर, कौन सा एनिमल है वो, रैबिट. एन एनिमल विद ईयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड,
कि कौन सा एनिमल है जिसके जो ईयर है वो उसके सर के बोथ साइड, दोनों सर के दोनों तरफ होते हैं, तो डॉग हो गया, टाइगर हो गया, है ना। तो ये है, यू नो वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प अस टू हियर। इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स, इन सम यू कैन नॉट। वी कैन नॉट सी अ बर्ड्स ईयर। अ बर्ड हैज़ टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड। जनरली द होल्स आर कवर्ड विद फैदर्स। दे हेल्प द बर्ड्स टू हियर। इफ यू लुक केयरफुली यू विल सी टाइनी होल्स ऑन अ लिजार्ड्स हेड। दीज आर इट्स ईयर। अ क्रोकोडाइल ऑल्सो हैज़ ईयर लाइक दिस बट वी कैन नॉट सी दैम ईजिली। तो क्या है, देखिए, हम सबको पता है जो ईयर्स होते हैं वो हमें सुनने के काम आते हैं, है ना। ईयर्स से हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके ईयर्स हमको दिखाई देते हैं, और जो कुछ ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके जो ईयर्स हैं हमको नहीं दिखाई देते। जैसे लिजार्ड, जो छिपकली है, छिपकली के जो कान होते हैं बट वो बिल्कुल छोटे से होल होते हैं। अगर आप छिपकली को ध्यान से देखो, बिल्कुल केयरफुली देखो, तो आपको उसके सर पे छोटे छोटे होल्स दिखाई देंगे, ठीक है। ऐसे ही जो बर्ड्स होते हैं, जो बर्ड्स के भी कान होते हैं लेकिन वो पंख, जो फैदर्स होते हैं, उनसे ढके हुए होते हैं। ऐसे ही जो क्रोकोडाइल होते हैं उसके भी कान होते हैं लेकिन हम उनको नहीं देख सकते इजीली, ठीक है। नेक्स्ट है, हूज स्किन। नाउ यू नो हाउ टू रिकोगनाइज एनिमल्स बाय देयर ईयर्स। लेट अस सी इफ वी कैन रिकोगनाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन। तो यहाँ पे ये कुछ एनिमल्स की पिक्चर दी गई हैं, तो हमें क्या करना है, हमें मैच करना है कि कौन सा एनिमल की कौन सी स्किन है, है ना। अब यहाँ पर देखो ये कौन कौन से एनिमल्स हैं। ब्लैक एंड वाइट में जो जिसका पैटर्न है वो जेब्रा का है, है ना। एंड ऑरेंज एंड ब्लैक में ये टाइगर है, ये तो हमारा स्क्वेरल है, एंड दिस इज़ डियर एंड लेपर्ड। तो ये है एनिमल। द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन द स्किन, ठीक है। ये जो डिफरेंट टाइप के पैटर्न होते हैं क्यों होते हैं, ये इनके हेयर होते हैं इनकी स्किन पर, उसकी वजह, मतलब जो हेयर होते हैं इनकी स्किन पर उसकी वजह से ये पैटर्न्स दिखाई देते हैं, पैटर्न्स होते हैं। हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर और हुज हेयर हैव बीन रिमूव्ड। आपने कभी ऐसा एनिमल देखा है जिसके बाल नहीं होते या उसके बाल गिर चुके होते हैं, है ना। इमेजिन कीजिए कि वो कैसा दिखता होगा, है ना, कि मतलब उसके सर पे कोई बाल नहीं है, उसकी स्किन पर मतलब कुछ भी नहीं है, बाल ही नहीं है, तो वो कैसा दिखाई देगा। तो उसके जो बॉडी है उस पर कोई भी पैटर्न नहीं होगा, है ना। जैसे कि ये जो एनिमल्स हैं, है ना, टाइगर, जेब्रा, लेपर्ड, है ना, डियर, इन सब के जैसे ये बॉडी पे पैटर्न है इनके, तो वो उस एनिमल्स के बॉडी पर नहीं होगा, उसकी स्किन पर नहीं होगा। तो ये जो पैटर्न है वो उनकी जो स्किन है उस पर जो हेयर होते हैं, जो बाल होते हैं, उनकी वजह से ये पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, यू माइट हैव सीन सम ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो। फॉक्स, फ्रॉग, माउस एंड एलिफेंट, क्रॉ, कैट, कैमल, स्पैरो, पिकॉक, बफेलो, लिजार्ड, पिजन, पिग, डक, काउ। तो ये सब जो एनिमल्स हैं, पुट द नेम ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल्स। तो बार बार एनिमल्स आ रहा है और आप लोग ये सोच रहे होंगे यहाँ पे कुछ बर्ड्स के नाम भी है। तो जो एनिमल्स है, तो एनिमल्स के अंदर मतलब जो भी बर्ड्स या इंसेक्ट्स हैं, जो भी कीड़े मकोड़े हैं, बर्ड्स हैं, ये सभी आते हैं, तो कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, उनके नाम ये जो टेबल बनाई हुई है इसमें पुट करना है। ईयर कैन बी सी, हैज़ हेयर ऑन स्किन, ईयर कैन नॉट बी सीन, हैज़ फैदर ऑन स्किन, ठीक है। मतलब कि आपको अब ये बताना है कि ये जो नाम दिए गए हैं ऊपर, उसमें से कौन कौन ऐसे एनिमल हैं जिनके कान हम देख सकते हैं और जिनकी स्किन पर हेयर होते हैं, जिनके ईयर नहीं होते, है ना, जिनके ईयर हम नहीं देख सकते और
जिनके स्किन पर फैदर होते हैं। तो इनमें से कौन कौन से एनिमल्स होंगे? तो कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनके हम ईयर देख सकते हैं? एलिफेंट, फॉक्स, पिग, माउस, कैट, बफेलो, कैमल। और किनके बॉडी पे किनके स्किन पे हेयर होते हैं? एलिफेंट, फॉक्स, पिग, माउस, कैट, बफेलो, कैमल। ईयर कैन नॉट बी सीन। और हम कौन से एनिमल्स हैं जिनके हम ईयर कान हैं जो वो नहीं देख सकते? स्पैरो, पिजन, फ्रॉग, क्रॉ, पिकॉक, डक, हैंड। हैज़ फैदर ऑन और किनके जो स्किन है उस पर फैदर होते हैं? स्पैरो, पिजन, क्रॉ, पिकॉक, डक और हैन। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मेंशन्ड इन द लिस्ट ले एग्स? फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स। विच ऑफ द एनिमल्स इन द लिस्ट गिवन बर्थ टू बेबीज, राइट देयर नेम्स इन द रेड बॉक्स। तो हमें क्या करना है, जो ऊपर ये जो नाम थे, ये जो एनिमल्स के नेम दिए हुए थे, हमें ये लिखना है और ये बताना है कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जो अंडे देते हैं और कौन कौन से एनिमल्स हैं जो बेबीज़ को जन्म देते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ एक सीक्रेट, जिनके एयर हम देख सकते हैं और जिनके जो स्किन है उस पर हेयर होते हैं, वो एनिमल्स बेबीज़ को बर्थ देते हैं। और जिन एनिमल्स के एयर हमको नहीं दिखाई देते, है ना, उनके पंखों से ढके हुए होते हैं और उनके जो पंख होते हैं उनकी स्किन पर फैदर होते हैं, वो क्या करते हैं? एग देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, एनिमल्स इन द लिस्ट दैट गिव बर्थ टू बेबीज। अब ये जो लिस्ट है यहाँ पे, ये किसकी है? जो बेबीज़ को बर्थ देते हैं, ठीक है, रेड बॉक्स में हमें नहीं फिल करना है। तो कौन कौन से एनिमल्स हो गए? डियर, बफेलो, पेग, एलिफेंट, कैट एंड जिराफ। ये एनिमल्स हैं जो बेबीज़ को बर्थ देते हैं। और एनिमल्स इन द लिस्ट दे दैट लेज एग, जो अंडे देते हैं, उनको हमें ग्रीन बॉक्स में फिल करना है। तो कौन कौन से एनिमल्स हैं वो? फ्रॉग, फिश, आंट, क्रॉप, स्नैक, लेजर्ड, डक एंड स्पैरो। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको एक्टिविटी दी गई है। नाउ लुक अगेन एट द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज, ड्रॉ अ लाइन अंडर द नेम्स ऑफ एनिमल्स हुज नेम्स आर द ग्रीन बॉक्स, पुट द सर्कल अराउंड द नेम्स ऑफ दोज एनिमल्स हुज नेम्स आर द आर इन द रेड बॉक्स। रेड बॉक्स में जो भी एनिमल्स के नाम है उन्हें हमें उन पर हमें सर्कल करना है, और जो ग्रीन बॉक्स में नाम है दिए गए हैं, जो हमने लिस्ट बनाई है, उसमें हमें अंडरलाइन करनी है। ठीक है, सो व्हाट डिड यू नोट, क्या आपने नोटिस किया? दोज एनिमल्स हुज ईयर यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, मतलब कि जिन एनिमल्स के कान हमको दिखाई देते हैं और वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी पे बाल होते हैं, तो दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू दी यंग वंस, मतलब कि वो क्या करते हैं, बर्थ बेबीज़ को बर्थ देते हैं। और जिनके कान हमको नहीं दिखाई देते, है ना, और उनकी बॉडी पे बाल भी नहीं होते, उनके स्किन पे हेयर नहीं होते, और वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी गई है कि अगर आपके पास कोई पेट है तो उसके बारे में आपको लिखना है कि उसे क्या पसंद है, वो दिन में कितनी बार खाता है, और वो कब गुस्सा करता है, है ना, ये सारे क्वेश्चन हैं। और यहाँ पे आपको ये दिया गया है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ दिस एनिमल एंड कलर इट, गिव इट अ नेम ऑफ योर ओन चॉइस। और यहाँ पे आपको जो पेट है आपका, उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसे अपनी चॉइस का नाम देना है। ठीक है, इसके बाद लुक एट दिस पिक्चर, कलर एंड पार्ट्स विच हैव इवन नंबर्स, व्हाट डू यू सी? फाइंड आउट द नेम ऑफ द एनिमल्स। देखिए, ये एक एनिमल्स की पिक्चर है, एक एनिमल की पिक्चर है। ठीक है, आपको जो नंबर्स हैं उनको ऐड करना है। इससे क्या होगा, जो ये डायनासोर है, ये डायनासोर की पिक्चर बन जाएगी। तो आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा अगर आप इसे करोगे तो। सो नेक्स्ट, मैनी मैनी ईयर्स अगो देयर वर डायनासोर्स ऑन अर्थ बट नॉट एनी मोर,
नाउ वी कैन सी दैम इन फिल्म्स, फोटोज़ एंड बुक्स. ठीक है, तो क्या है कि बहुत साल पहले धरती पर क्या हुआ करते थे, डायनासोर, लेकिन वो अब नहीं होते. ठीक है, वो हमको जो फिल्म है, जो फिल्म्स होती हैं, फ़ोटोज़ होती हैं, जो बुक्स होती हैं, और जो आप लोग कार्टून्स भी देखते होंगे, तो इनमें हमें वो देखने को मिलते हैं. तो अब नेक्स्ट है, फाइंड आउट मोर अबाउट डायनासोर्स एंड शेयर विद योर फ्रेंड. अब इसके बारे में हमें थोड़ा डायनासोर के बारे में जानना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है. हैव यू सीन एनी एनिमल्स दैट लुक लाइक लिटिल लाइक डायनासोर? डू यू नो इट्स नेम? फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स. तो क्या करना है हमें, इसे जो ये डायनासोर की तरह जो दिखते होंगे जो एनिमल्स, उनको हमें जानना है कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जो डायनासोर की तरह दिखते हैं, और ये हमें अपने बड़ों से पूछना है. नेक्स्ट है, लुक एट दिस एनिमल, राइट इट्स नेम. डू यू नो दैट दिस इज़ अवर नेशनल एंड नेशनल एनिमल? क्या आप जानते हैं ये हमारा नेशनल एनिमल है? आप बता सकते हैं ये किसकी पिक्चर है, है ना? तो ये है टाइगर, और टाइगर क्या है, हमारा नेशनल एनिमल. वेयर डज इट लिव? दैट ये कहाँ रहते हैं, जंगल में, है ना? तो मैं आपको बताती हूँ, एक टीवी रिपोर्ट में बताया जा रहा था कि जो पूरे वर्ल्ड में जो टाइगर्स हैं उनकी जो मतलब टोटल जो टाइगर्स हैं वो 4000 है. ठीक है, 4000 है, उनमें से जो 3000, जो 3000 टाइगर हैं वो इंडिया में है. ठीक है, और मेक योर ओन बर्ड, हमें यहाँ पे पेपर से एक एक्टिविटी करनी है. पेपर से यहाँ पे कुछ बर्ड्स बनाई गई है, तो आप भी चाहो तो इसे बना सकते हो. ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर ईयर टू ईयर. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.